दुग्ध निगम में छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के बैनर तले नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर फूल मालाओं से स्वागत भी किया। दुर्ग नगर निगम में छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी और निगम अधिकारी कर्मचारियों द्वारा नव निर्वाचित विधायक का स्वागत व सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल और कार्यकर्ताओं ने नव निर्वाचित विधायक गजेंद्र यादव का बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में निगम अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस दौरान दुर्ग नगर निगम परिसर में बने भव्य श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने दुर्ग निगम पहुंचे शहर विधायक गजेंद्र यादव की अगुवाई करते हुए उनका स्वागत किया, जिसके बाद सभागार में उपस्थित सभी निगम पार्षद और अधिकारियों के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। करेंगे तालियों, अभी मेरे जितने भी कर्मचारी साथियों से निवेदन है तालियों के साथ। हमारे बीच में सभापति महोदय राजेश यादव साहब, उसमें कुछ बैठकर स्वागत करेंगे, उसमें कुछ बैठकर स्वागत करेंगे। इस दौरान नगर निगम के नए सभागार में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी, हर कार्य को प्राथमिकता से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने नगर निगम द्वारा कोरोना काल के दौरान किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा रिश्ता नगर निगम से पूर्व से रहा है। हिंदी वाला हमारा कार्यक्रम वहाँ था, उसमें हिंदी में संचालित हुआ करता था। एक आदमी आया और हिंदी के सामने गाली पकड़ने लगा और पूछे कार गाली पकड़ा था सर, तो बोले मोर बाई हाथ मुझसे झगड़ा कर दी निगम तो आदमी कुछ समझ में आया ना है। बोला ये लगता है कि समस्या के हल नहीं हो सकते तो वह नगर निगम, तो लोगों ला निगम से, निगम परिवार से, निगम कर्मचारी मन से बहुत अपेक्षा होते हैं। आदरणीय महापौर जी कहा धन्यवाद के विधायक बोले भैया बोले कि मैं पदे पार्षद हो गया हूँ, नाते एक परिवार सदस्य के नाते आप सब लगातार काली विधानसभा में बजट की बात है। अब मैं पहली बार के विधायक रहे हूँ, फिर भी ऐसे निर्देश हुए कि चार सत्ता पक्ष से बोलने हैं, चार विपक्ष से बोलने हैं बजट के संबंध में। तो बजट में तो मैं सब बात बोले हूँ, लेकिन आप द रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री जी से जब मैं बजट के बारे में बोले, एक बार मुझे मुख्यमंत्री जी जाकर चैम्बर में निवेदन करें। मैं बहुत छोटा था, अजय वर्मा जी बोला कि 21 साल 6 महीना 15 दिन हुआ था, अगर 6 महीना पहले चुनाव होता तो शायद मैं चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहता। वो दिन याद आता है, श्रद्धे मदन जैन जी, मैं मुकुंद मन रहता था वहाँ, रोज स्कूटर से गुजरते थे और जब पिछड़ा वर्ग वार्ड घोषित हुआ कचहरी वार्ड, मदन भैया बोले अभी कोई नहीं यहाँ लड़ने लगा, तू लड़ करके ये आपकी प्रेरणा थी भैया, गाली पकते थे तो भी हमारे लिए आशीर्वाद रहता था। और पहले इस दौरान दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि नगर निगम के विकास कार्यों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य में हम सबकी भागीदारी हो। महापौर ने कार्यक्रम के दौरान विधायक से निवेदन किया कि शहर में कचरा डंप करने के लिए जगह नहीं है, जिससे बड़ी समस्या हो रही है। उन्होंने बताया कि रसमड़ा के पास रिक्त जगह है, जिसे जिला प्रशासन से
अनुमति के लिए चर्चा हो ताकि शहर का कचरा वहां डंप हो सके। अब सम्मान समारोह कर्मचारी हमारे ग्रुप शहर के मतदाता है सब जन और निगम सब पार्षद मंत्री ग्रुप के रह हुए हैं, तो स्वाभाविक है जनता जनार्दन जो आशीर्वाद है सबके पीछे थे स्वागत थे सम्मान करे। आज नगर निगम परिवार भी परिवार के सदस्य के नाते आज लाए हैं सम्मान करे, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। वो बहुत सारा समस्या है, पेमेंट की समस्या है, वेतन की समस्या है, ये सब समस्या भी ध्यान में आते राज्य शासन से अपन प्रयास करके ये सब चिंता लागे। अगर वो एक घोषणा नहीं करे हों जब सरकार राज्य शासन है जिन दिन भर्ती करी ने रेगुलर भर्ती करे की बात आई उस समय शासन से मांग कर रहे हो कि जो प्लेसमेंट हम करे कर्मचारी में प्राथमिकता वरीयता के क्रम में दे जाए। पहले भी ऐसे हुआ है नगर निगम में कि जब डॉक्टर रमन सिंह सरकार में जब कर्मचारी में नियुक्तिकरण करी से और जहाँ नियुक्तिकरण के बाद वो कर्मचारी नया भर्ती हो तो भर्ती में कालम नगर निगम प्रशासन ने जारी करी जो कर्मचारी काम कर रहा प्राथमिकता के तौर पर भर्ती लेने हैं। हमारे ध्रुव है बहुत छोटे है, थोड़ा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, थोड़ा कहीं कहीं पार्किंग की समस्या दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत में कहीं कहीं हम बाजार है कमजोर पड़ रहा है, अपन चाहते हैं कि अच्छा पार्किंग मिले सुचारू पार्किंग चले जिससे बाजार है मजबूत हो और शहर के बहुत सारा जो विकास में जो थोड़ा कमी है वो अपन दूर करें पास करें। कोई जानकारी नहीं है पार्षद जल जो तय करी उसका हम साथ करेंगे। जनता तो हमारे जनता आशीर्वाद दे है, दुर्ग सर के जनता आशीर्वाद दे है, हमारा भारतीय जनता पार्टी है ये मामला में बाकी से अलग है। हमारा एक से मतलब नहीं है कि कांग्रेस के महापौर है, कांग्रेस के पुराना है, कांग्रेस के है, अरे जनता जनार्दन हमारे जनता के हित के लिए जो भी निर्णय हुई हम सब काम कर रहे। जैसा कि यहाँ पे लगातार निकाल चल रहा था। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।